छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है और हर विधानसभा में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी चालू हो चुकी है। इस बार बसना विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने संपत अग्रवाल को अजमाया है। वहीं संपत अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस की सरकार में वर्तमान विधायक राजा देवेंद्र बहादुर सिंह के द्वारा बसना की जनताओं को किसी प्रकार की सुविधा नहीं दिया है, जैसे कि मूलभूत सुविधा देखा जाए, सड़क, पानी, बिजली और कई प्रकार की सुविधा जो आम जनता वंचित है। ऐसी कई मामलों के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बसना विधानसभा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता तनवीर सईद ख्वाजा जी। आइए हम जानते हैं कि जो संपत अग्रवाल जी भी आरोप लगा रहे हैं कि वर्तमान विधायक निष्क्रिय हैं, उनके द्वारा 5 सालों में किसी प्रकार का विकास बसना की जनताओं को नहीं दिया गया है, केवल कांग्रेस जो सरकार है उसे वादा करती है आज तक वो पूरा नहीं कर पा रही, इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा तो ये कहना है कि पीछे जो 15 साल भाजपा की सरकार हमारे साथ छत्तीसगढ़ में शासन की थी, उनके द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं उसको आप देख लीजिए। जनता त्रस्त हुई तब जाके उन्होंने कांग्रेस की सरकार को लाई और कांग्रेस सरकार द्वारा 5 साल में जो विकास किया गया है, मैं सोचता हूँ पूरे 15 साल में भाजपा द्वारा इस क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ को विकास नहीं किया गया है। अगर इनको समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे बड़ी बात तो ये बोलूँ कि बसना में जब मुख्यमंत्री रमन जी जब थे, उन्होंने घोषणा की थी कि बसना गौरव पथ का 29 करोड़ रुपये हम देंगे। उनके द्वारा घोषणा होने के पश्चात ही बसना में कोई कार्य नहीं किया गया। जैसे ही हमारे यहाँ भेंट का कार्यक्रम मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, हमारे स्थानीय विधायक ने मुख्यमंत्री जी से गौरव पथ की मांग की, तुरंत 29 करोड़ रुपए का गौरव पथ पास हुआ और उसका ठेका भी हो गया है और उसका वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया है। ऐसे कई प्रकार के काम है जिनके बारे में बताऊंगा तो आप लोगों को ताजुब लगेगा। बसना का क्षेत्र जो है आस पास के एरिया से सभी सड़क से जुड़ा हुआ है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है। आप जाइए बसना पदमपुर रोड, जो 15 साल से हर समय रामचंडी मंदिर में जब कोलता समाज द्वारा आयोजन किया जाता था तो यहाँ की जो विधायक थी रूप कुमारी चौधरी जी द्वारा हर समय से मुख्यमंत्री से मांग की जाती थी, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई फंड इस रोड के लिए नहीं दिया गया। लेकिन हमारे जब मुख्यमंत्री जी जब पहली बार यहाँ पर आए फुलझर में और हमारे मुख्य विधायक के महोदय देवेंद्र बहादुर सिंह की मांग पर उन्होंने 30 करोड़ रुपये पास किया, आज वो रोड बन के भी तैयार हो गया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में बस्ता से जो रोड बचा हुआ था बस्ता बंसूला, उसका भी गौरव का निर्माण हमारे विधायक महोदय कार्यकाल में हुआ है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे हमारे कार्य हैं, जैसे कपसा खूटा बांध, सिरको बांध जो वर्षों से लंबित पड़े हुए नहर लाइनिंग करण का, उसमें भी 30 करोड़ का काम हमारे कांग्रेस शासन द्वारा किया गया है। अभी हाल में ही बीच में पठियापाली में 132 kV का बिजली का नया एक स्टेशन बनाया गया है जो कि एक हमारे क्षेत्र के किसानों के लिए बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे कई प्रकार के कार्य जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज हमारे विधायक महोदय के द्वारा मांग करने पर इस कार्य को पूर्ण किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है एक ADB योजना 100 करोड़ की योजना जो सरडी से तोसगांव जाती है वो भी कार्य आज पूर्ण हो चुका है। और जाके देखिए उसके सामने गौरव जो 4 लेन का रोड है वो भी फीका है। ताजुब लगता है मुझको भाजपा के द्वारा जो इस प्रकार की बात की जाती है कि 5 साल में विकास नहीं हुआ है, जबकि 2 साल हमारा कोरोना काल में बीत गया, 3 साल में मान के चलिए 2.5 साल में जो विकास हुआ है ना कभी आज तक हुआ है ना होगा। अगर 15 साल के कार्यकाल को बसना नगर पंचायत के विकास कार्य को देख लें और हमारे इस 5 साल के कार्य को देख लें, जबकि विपक्ष का अध्यक्ष बना हुआ है उसके बाद भी हमारे द्वारा विधायक द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध न जताते हुए भी इतना कार्य दिया गया है जो 15 साल में भाजपा शासन ने नहीं दिया था। वर्तमान विधायक के कार्यकाल में जो क्षेत्र में जो विकास किया गया है, क्या ऐसे अच्छे विकास किया कि क्या उपलब्धि उनके द्वारा की गई है और किन मुद्दों को लेकर आम जनताओं के पास जाएंगे और भारतीय जनता के जो पार्टी में जो जिनको उम्मीदवार बनाया गया है उनको ध्वस्त करके वो फिर पुनः विजय की ओर प्राप्त करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा ये है किसानों को जो कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी कि हम कर्ज मुक्त करेंगे, तुरंत हमारे 10 दिन के अंदर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शासन में बैठते ही प्रत्येक किसानों को कर्जा मुक्त कर दिया, जिससे कि हमारा संपूर्ण किसान खुशहाल है और एक नया जन्म उनको मिला हुआ है। उसी प्रकार बोनस की जो राशि थी केंद्र शासन द्वारा विरोध करने पर राज्य न्याय योजना के हिसाब से प्रत्येक किसान को प्रति एकड़ 9,000 रुपये का जो बोनस मिला है आज हमारे किसानों का नया जीवन प्रदान किया है। उसी प्रकार आज खरीदी में जो परेशानी होती थी गांव-गांव में, आज इतने खरीदी केंद्र बना दिए गए हैं कि किसानों को ज़्यादा दूर न लेकर 1-2 किलोमीटर एरिया में ही धान बेचने में उनको सुविधा प्राप्त हो रही है और भुगतान भी तुरंत। आज आप बेचिए धान और कल आपका पेमेंट आपका क्या बोलते हैं कॉपरेटिव बैंक में या बैंकों में जमा हो जा रहा है। एक बहुत बड़ा ये क्षेत्र किसानों के लिए योगदान है। इसी परिप्रेक्ष्य को लेकर हमारे विधायक महोदय
अपना वोट मांगेंगे और हमारे जो प्रदेश की सरकार जो काम किया है उसको बताते हुए, साथ ही आपको एक बात और बता दूं कि हमारे जो भूपेश सरकार ने जो भूमिहीन श्रमिकों को जो 7,000 रुपए का जो घोषणा की है, वो भी आज किसानों को, वो भी आज लोगों को 5,000 रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है। अब प्रत्येक बेरोजगार को 2,500 रुपए की राशि प्राप्त हो रही है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जिसको लेकर हम जाएंगे और बीजेपी हमारे लिए हम किए गए कार्यों के लिए हम वोट मांगेंगे और हमें उम्मीद है कि जनता हमारा साथ देगी और पुनः हम 75 से ज्यादा सीट पर लाकर सरकार बनाएंगे। आने वाले जो विधानसभा चुनाव में 90 विधानसभा में कितनी सीट आपकी आ सकती है, कामयाब हो पाएगी कांग्रेस इस बार? हमको तो उम्मीद है, पूरा उम्मीद है हमारी कम से कम 75 प्लस सरकार आनी चाहिए, वो विधायक आने चाहिए, क्योंकि हम जब पिछले बार हम 70 लाए थे, जबकि इस बार हमने कार्य किया है और लोगों को विकास के रास्ते की ओर लिया है, हर गरीब छोटे बड़े सबका हमने विकास किया है। हमें उम्मीद है कि इस बार जनता हमारी साथ देगी और हम 75 प्लस आएंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पूर्व हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। भूपेश सरकार किसान हित की बात करती है और इस बार एक प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी का ऐलान किया है, क्या लगता है कर्ज माफी बोनस की तरह जो दावे हैं वो क्या मास्टर रोल साबित हो पाएगी? बिल्कुल मास्टर रोल साबित होगी। साथ में आपको ये योजना और बता दूं, मुख्यमंत्री ने आवास योजना भी चालू की है और उसकी प्रथम किस्त प्रत्येक जिनका पास हो चुका है उनको 25,000 रुपए पहुंच भी गया है। आचार संहिता लगने के बाद कुछ लोगों की राशि रुक गई है, ये हमारे लिए मास्टर स्ट्रोक रहेगा। 20 क्विंटल का धान लेना हमारे लिए वाकई मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि आज किसान हमारा इतना प्रगतिशील हो गया है कि वह 20 क्विंटल धान आराम से उत्पन्न करता है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देते हैं, उन्होंने जो भी योजना बनाई हमारी छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बनाई, छत्तीसगढ़ के लोगों को उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की सरकार बनी हुई है और छत्तीसगढ़ियों को उन्होंने त्यौहार बनाना सिखाया, जो कि रमन सिंह की सरकार में बड़े बड़े एक्टरों को बुलाकर पैसा बर्बाद किया जाता था, जबकि हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कराकर जनता में छत्तीसगढ़ी भावना को उत्पन्न किया।